मैं श्रमण जरूर बनूंगा, मैं श्रमण जरूर बनूंगा, मैं श्रमण जरूर बनूंगा, मैं भगवान जरूर बनूंगा, मैं भगवान जरूर बनूंगा, मैं भगवान जरूर बनूंगा, मैं भगवान जरूर बनूंगा, मैं सीध जरूर बनूंगा, मैं सीध जरूर बनूंगा। बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान, बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान। मेरा पक्का है निर्धार, मेरा पक्का है निर्धार, मेरा पक्का है निर्धार, मेरा पक्का है निर्धार, के मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान, बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान, मुझे नहीं होना परेशान, मुझे नहीं होना परेशान। ये बाहर का कि मुझे नहीं होना, बाहर के वातावरण से हमारा अंदर का दिल हिलना नहीं चाहिए, बराबर है। मैं चित शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि जनरल में यूट्यूब पे हजारों लाखों लोग देखते हैं, तो सबको पता पड़ना होना चाहिए। दिल समझ में आता है, दिल हमेशा, दिल वही चित है, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ और एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मीन्स आत्मा से जुड़ा हुआ जो तत्व है, सत्व है, उसी का नाम है चित। सो बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान। ये बाहर का, यानी कि कोई भी व्यक्ति आए मुझे नहीं होना, कोई भी वस्तु आए मुझे नहीं होना, कोई भी परिस्थिति आए मुझे नहीं होना, कोई भी जीव हमारे जीवन में आए मुझे नहीं होना। ये बाहर का शील्ड आ गया, अभी अंदर का शील्ड क्या? महाकाली। ओम ह्रीं क्लीं महाकाली देव्या, ओम ह्रीं क्लीं महाकाली देव्या, देव्याय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं
इंटरनल फ्रीक्वेंसी है, तरंग है। जैसे जैसे हम ये तरंग अंदर हमारे हृदय में स्थान लेते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर से शंकाएं कम होना शुरू हो जाती है। जो शंका आती थी वो कम हो जाएगी, जो भय होता था वो कम हो जाएगा, जो चिंताएं होती थी वो कम होना शुरू हो जाएगी। ये शक्ति स्वरूपा लेवल के ऊपर ये कार्य हो रहा है। अभी भी इसके अंदर ये शुरुआत है, प्रथम भूमिका है। मुझे नहीं होना परेशान, ये विवेक की प्रथम भूमिका है, ये सामायिक की प्रथम भूमिका है, ये समता की प्रथम भूमिका है, ये बैलेंसिंग की प्रथम भूमिका है। उसके बाद हम दूसरे दिन आए, दूसरे दिन हमने क्या किया, नमो जिनाणम जिय भयाणम, नमो जिनाणम जिय भयाणम। वो काली माँ जो बाहर से आती थी उसको स्टॉप किया, अब जो अंदर पड़ी काली माँ है उसको निकालना है। नमो जिनाणम जिय भयाणम, ये नमो जिनाणम जब बोलते हैं तब कितनी कृपा मिलती है, सात कृपा। कौन सी कौन सी? ईश्वर कृपा, अरिहंत कृपा, जीवंत तीर्थंकर परमात्मा और केवली भगवंतों की कृपा, सिद्ध परमात्मा जो अरिहंत थे अब सिद्ध बन चुके हैं, वो अपनी कृपा छोड़ चुके हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, वो हमें काम आ रही है। जैसा उनका स्मरण करो तो उनके परमाणु हमारे तरफ आकर्षित होते हैं और वो हमें उपयोगी बन जाते हैं। वो देखो इसमें ऐसा है, जैसे सूर्य आता है और अंधकार भाग जाता है, इसी प्रकार ये कृपा आती है और हमारे अंदर से काली माँ भाग जाती है। दिस इज एग्जैक्टली साइंटिफिक प्रैक्टिकल प्रयोग, साइंटिफिक प्रैक्टिकल प्रयोग। जैसे हमने आह्वान किया नमो जिनाणम जिय भयाणम, नमो जिनाणम जिय भयाणम, अभी ये प्रोसेसेस जो हमने कल पहले दिन किए दूसरे दिन किए उसके साथ, वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट आवर प्रेजेंट लाइफ। वर्तमान जीवन में जो पहले दिन होमवर्क दिया था हमने, वो आपका छह दिन तक चलेगा। क्या चलेगा? व्यक्ति के बारे में नेगेटिविटी, आपको किस किस व्यक्ति पर शंका है, आपको किस किस व्यक्ति से भय है, किस किस व्यक्ति के बारे में आपको चिंता है, किस किस व्यक्ति के बारे में आपको झगड़े की संभावना है, डिफरेंसेस है, समझ में आया? तो ये कितने हो गए? चार। तो ये चार होंगे तो आगे का सब ऑटोमेटिक है। क्या आगे क्या है? सब दूसरे चार। कौन से दूसरे चार? गाली गलौज नंबर वन, नंबर टू मारामारी, नंबर थ्री पुलिस चौकी और नंबर फोर कोर्ट कचहरी। ये चारों 100% वेस्टेज ऑफ टाइम। हमारे पास क्या इतना समय है? ट्राई टू अवॉइड ऑल फोर एज फार एज पॉसिबल, जहां तक हो सके वहां तक। गाली गलौज में मत जाना, बद्दुआ देने में मत जाना, मारा मारी पे तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वो होगा तो पुलिस चौकी और कचहरी होगी ऑटोमेटिक। ये वेस्ट ऑफ शियर टाइम एंड गिविंग दान तो काले कोट वाले, वो पूरी सिस्टम है, वो तैयारी बैठी है कि आओ और लूटो इसको। और लोगों को, कई लोगों को जो पैसे वाले, उसको गर्व है। क्या गर्व है?
कि उसके पास सिक्योरिटी सिस्टम है, सिक्योरिटी के वो क्या बॉक्सर क्या बोलते हैं, बाउंसर, बाउंसर बाउंसर रखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स रखते हैं, और अपने आप को क्षेत्र सा समझते, मूर्ख के जाम। कई बार तो मैं कई साधुओं को देखता हूँ बाउंसर रखते हैं, अरे भैया तू कर क्या रहा है, क्या कर रहे हो आप? आप जगत को अभय सिखाने निकले हो, खुद अभय का परिणाम प्रकट करने निकले हो, और चार बाउंसर रखे हो, चार पांच छह बाउंसर, कभी भी मेरे वचन ऐसे कुछ निकलेंगे, किसी को कुछ दुख लग गया तो मेरे पे अटैक करेगा, क्यों भाई तू इतनी चिंता कर रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चक्रव्यूह, वी आर वेस्टिंग अवर टाइम, नथिंग एल्स, दिस वेरी प्रेशियस लाइफ। एक एक दिन हम आगे बढ़ेंगे ना, सातवें दिन से जो प्रक्रिया शुरू होगी ना, जबरदस्त होगी। अभी तो हम खाली व्यवहारिक जीवन की तैयारियां कर रहे हैं। Our goal is not this, खाओ पियो और मारा मारी करो। हमारा दिन भर का देखो आप काम क्या है, पैसा पैसा पैसा। तो पैसा भी कैसा चाहिए, बैठे बैठे एयर कंडीशन ऑफिस में बैठो, हाँ किधर से न्यूज आने चाहिए, अटला तुम्हारा बैंक में जमा क्या कि बहु हार हो गई, ज्यां सुधी भव्य योग हसे पुण्य योग हसे त्यां उदी आउ थसे। और ये कितना समय होगा, पुण्य योग कितना समय टिकता है, नॉट मोर देन 1%। मनुष्य के अंदर तैयार हो जा, हार्डेस्ट वर्क। इसीलिए भगवान महावीर के मार्ग के अंदर चलने वाले श्रमण को हम पहले दिन से हार्ड वर्क की बात करते हैं। श्रमण तेरा काम तू कर, जिस किसी के ऊपर भरोसा रखा तो तेरे को 50 फोन करने पड़ेंगे, उसके बाद 50 बार पीछे पड़ना पड़ेगा, और सब अपनी अपनी मर्जी से करेंगे, और सब अपने अपने बहाने निकालेंगे। ये आप फेस कर रहे हो कि नहीं? कोई नहीं पास यदि कहीं पर काम कड़ा हुआ है तो नानी याद आ जाए कि नहीं? અને જ્યારે આપણા ભાગ્ય દુર્ભાગ્ય હોય, આજે સવારની વાત કરું, આજની સવારની વાત કરું, આશીષભાઈ કે સાહેબ મારા ધંધામાં એટલા ફોન નથી કરતો, એટલે આ મેગેઝિન વાળાને ફોન કરી દીધા, આ દર વખત માથું જ ખાવાનું છે। મેં કીધું અહીંયા જેટલું માથું ખવાતું એમાં તૈયાર થઈ જાઓ, આ તો જી મનુષ્ય છે, અને એમાં પણ મહાપુણ્ય છે કે ફોન નથી કરવા પડતા। અરે કરવા પડે, 50 ફોનમાં જ પતી જાય છે, નહીં તો લોકોને 50 ધક્કા ખાવા પડે। કરીને જુઓ, હે એપ્લિકેશન દો, અભી નહીં હે, જાઓ બાદ મેં આના, સેટ નહીં હે, પેમેન્ટ ની વાત કરો ને, ચલો કોઈ ની પાસે પેમેન્ટ કરાવવું હોય તો કેવા ધક્કા ખવડાવે, હે ફોન તો ગાંઠે ઉપાડે જ નહીં તમારો ફોન, ને બ્લોક કરીને રાખે તમારો નંબર તો, એટલે તમારે મળે છૂટકો। હવે જેવા તમે ત્યાં જાઓ, સેટ નહીં હે, કાં ગયા, અચ્છા સેટ બહુ બિઝી હે, પૈસા આપણા, પેમેન્ટ આપણું લેવાનું, આપણા જ પૈસા લેવાના ભાઈ, માલ આપ્યો ને પૈસા લેવાના, મફતમાં કઈ ભીખ માંગવા નથી આવ્યા, કે સેટ બહુ બિઝી હે મીટિંગ મેં, તો કે હમ લોગ ઇધર સિટિંગ કરને આયે મીટિંગ મેં, તેરે સેટ સી મીટિંગ મેં, તો અચ્છા અચ્છા, એટલે તમને એવા મૈડા લાગે છે,
તમે એવું જ કરતા લાગો છો, ના ન પાડવાની, મળશે મળશે, ગભરાવો નહીં, ચિંતા નહીં કરો, હું અહીંયા જ છું, અહીંયા જ છું, આ મારી દુકાન, એડ્રેસ લખી લો, આવતા રહેજો, રોજ ચા પીસ પીવડાવીશ તમને. પીવડાવવાની વાત છે, તમારે નથી પીવાની. સો તો આજે સવારના આશીષભાઈ કહેતા હતા એટલે મને મારા દિવસો યાદ આવી ગયા. મેં કીધું ભાઈ મને કે જો ઓલા મેગેઝિન વાળાને પેલા આપો ને, એટલે એનું આખો સ્ટાફ સ્ટાફની બધાના નંબરો લખી રાખ્યા. પેલા પ્લેટ વાળાને ફોન કરો, બોલો શેઠિયો તો ત્યાં ઈ શેઠનું કામ બધું મારે કરવાનું, પ્લેટ આવી કે નહીં, પછી કે પેપર આવ્યા કે નહીં, પેપર નહીં એ પ્લેટ આવીને પડી છે, પેપર નહીં. અચ્છા એટલે પેપર માટે આપણે પાછળ પડવાનું એને, આપણું આપણે મેગેઝિન બનાવડાવું છું. કેટલા મેગેઝિન? 3000 માત્ર, એટલે પ્રિન્ટિંગ લાઇનમાં ઇઝ નથિંગ, ઇટ્સ વન ડે જોબ, ઓન્લી વન ડે, બટ ઇટ ટેક્સ 10 days 15 days, મન મરજી બાપાનો માલ. એટલે સામેવાળાની સિસ્ટમ જ એવી છે. આઈ એમ ગિવિંગ યુ એક્ઝામ્પલ, નથિંગ ઇઝ ઇઝી ઇન ધીસ લાઈફ. એન્ડ મનુષ્ય બને હે ના, બહોત કુછ, બહોત સુવિધા હૈ હમારે પાસ, ઓર દૂસરી સુવિધા ક્યા હૈ, બકવાસ કર સકતે, ઝઘડા કર સકતે, યે સુવિધા હૈ સબ, કોર્ટ કચેરી કર સકતે, પોલીસ ચોકી કર સકતે, હા, પશુ પક્ષી બનો, પતા ચલેગા, બનને વાલે હૈ, યહાં સુધરેંગે નહીં તો વો બનના હી હૈ. યહાં તો છોડો, દેવલોક મેં ભી યહી ધમાલ હૈ, જો ધમાલ યહાં હૈ ના, વો ભી દેવલોક મેં ભી, ઇન્દ્ર મહારાજ ઓર્ડર દેતે હૈ તો ઉસમે સે 90% દેવલોક સુનતે નહીં હૈ, ક્યોંકિ યહીં સે ગયા હૈ વો સારી ફોજ, ઉપર ગઈ હૈ આદત વાલી. એક બાત એક બાર મેં તો સુનતે હી નહીં હૈ, ઓર ઉસમે સે થોડે નમૂને આતે સંગમ જૈસે, બોલે કે ઇન્દ્ર મહારાજ ને તારીફ કી ના ભગવાન મહાવીર કી, ઉસકી બેન્ડ બજા કે આતા હું, ફિર બતાતા હું, દેખ તેરે ભગવાન કૈસે, દેખ મેં ઉસકી બેન્ડ બજા કે આયા, માલૂમ હૈ એસા એસા હી થા, એક્ઝેક્ટલી ઇન્દ્ર મહારાજ ને તારીફ કી દેવલોક મેં, ઓર ઉસને અપને જ્ઞાન મેં દેખા, ઉધી જ્ઞાન મેં, બોલા યે તો મેરા દુશ્મન હૈ ગયે ભાવ કા, ઇસકો તો છોડુંગા નહીં મેં, ઓર ઇસકી તારીફ હો રહી ઇતની, કૈસે તારીફ કરે, उसको बेइज्जत करके आऊंगा, फिर बताऊंगा, देख तेरे भगवान की हालत मैंने क्या बताई बनाई करके, वो नीचे गया भगवान को परेशान, 6 महीने तक बवाल मचा दिया उसने, हम 5 मिनट तक वो जो सहन नहीं कर सकते. નમોકારો સા